अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कैसे पढ़ा जाए, आप 1 मंथ में कैसे 90% स्कोर कर सकते हैं, हाउ टू स्कोर 90% इन 1 मंथ। सो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क और थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अकाउंट से बताने के लिए। देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप कम ही पढ़िए मगर अच्छे से पढ़िए। तो आप 24 घंटे में से सिर्फ 10 आवर ही पढ़िए और आप 90% आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरा तो टाइम शेड्यूल अलग था और आप लोग का भी अलग है। अगर आप मेरे से मैच करेंगे तो आप ज़रूर 90% स्कोर कर सकते हैं इन 1 मंथ। तो सबसे पहला मेरा टाइम टेबल था कि मैं सुबह में पढ़ती थी। सुबह में आप अपने बड़े से या फिर आपसे जो भी सीनियर है उन सबसे पूछिए कि सुबह में पढ़ने से बहुत ही जल्दी याद रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। तो जितना भी आपको थ्योरी पार्ट है वो जितने भी हैं, ये सिर्फ अकाउंट्स के बच्चे के लिए नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स के बारे में है कि जितने भी आप लोग का थ्योरी पार्ट है वो आप सुबह में याद करिए। कम से कम 2 घंटा भी याद करिएगा तो आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगा। बस बीच बीच में रिवीजन करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप 1 वीक में वह एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ओपन ही करिए, अपने ऊपर से रीडिंग भी कर लीजिएगा तो आपको वो याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मैं कर चुकी हूँ ऐसा, इसीलिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो जितना भी थ्योरी है, जितना भी आपको याद करने का है, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, जितने भी हैं वो जितना, जैसे कि कॉमर्स में आ गया आपका BST हो गया, ETP हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस में हो गया आपका बायोलॉजी हो गया और इंग्लिश हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, आर्ट्स में आपका हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी जितना भी थ्योरी है वो आप सुबह में याद करिए और कम से कम 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ने से बच्चे के प्रेशर आने की वजह से वो सारा चीज़ भूल जाता है, वही के लिए ज़्यादा भी पढ़ना हानिकारक होता है। फिर आप बीच में पढ़िए, जैसे कि 5 to 6 आप कंपल्सरी कर लीजिए, हर एक स्टूडेंट 5 to 6 आप थ्योरी पढ़िए ही पढ़िए। बाद ये रेगुलर रूटीन है, सब नाश्ता करते हैं और फिर जिसका जो काम रहता है उसके बाद आप 10 से 1, 2 3 घंटा आप कुछ भी आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, जो चैप्टर पढ़ चुके उसको रिवाइज करिए खुद से कम एक चैप्टर है तो उसमें से आप सारा ईच क्वेश्चन नहीं उसको रिवीजन करना है। जैसे कि एक टॉपिक है उसमें 15 क्वेश्चन दिया, उसमें से आप ओनली 2 क्वेश्चन को रिवाइज करिए जिसमें ऑल एडजस्टमेंट है, ऑल प्रॉपरली क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। और आपका वो पूरा होल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब वह बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ईच क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 पूरा 15 तक करते हैं, इससे टाइम भी जाता है और उनका चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, इसलिए ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इस टाइप से नहीं करना है, हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ही बस बन अटेम्प्ट करिए जिसमें पूरा फुल क्वेश्चन हो, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन हो उसको, तो उससे वैसे आपका टाइम कंज्यूमिंग बचेगा और आपका चैप्टर जो है वो इजीली आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको क्या क्या समझ में आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो ऐसे आपका टाइम बचेगा, आप इजीली समझ जाइएगा। तो आपका 5 to 6 वो थ्योरी पेपर के लिए हो गया, एंड 10 to 1, 10 AM to 1 PM, 3 आवर ये आप अपना सेल्फ रिवीजन करिए। जैसे कि ये चैप्टर मान लीजिए, एक चैप्टर NPO आपका कंप्लीट हो गया या फिर और कोई दूसरे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको सेल्फ स्टडी करिए। NPO का ईच क्वेश्चन ही बनाना, उसमें से 1 2 2 एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनाइए, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनाइए, ऐसे आपको समझ में आएगा। फिर आप शाम में पढ़िए, जैसे कि 3 to 5 2 आवर पढ़िए। उसमें आप जैसे आपको होमवर्क मिला है, आप लोग भी सब स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को होमवर्क तो रेगुलर मिलता होगा और साइंस और अकाउंट्स के बच्चे लोगों को तो ज़्यादातर ही होमवर्क मिलता है जिसकी वजह से वो लोग अपने सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने होमवर्क का टाइमिंग आप शाम में रखिए, 3 to 5, 2 आवर में आराम से आपका होमवर्क हो जाएगा, जो भी करना है आपको अपना होमवर्क करिए। फिर रात में जो 8 to 11, 3 आवर होता है, बहुत से बच्चे कहते हैं 12 बजे तक 1 बजे तक जागते हैं जिसकी वजह से सोचते बहुत अच्छा होगा, तो
कोई फ़ायदा नहीं होता। उतना जागने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका माइंड ठीक से वर्क नहीं करेगा। बच्चों को पूरा नींद ज़रूरी होती है, तो आप उतना 24 घंटे में से बहुत सारे बच्चे सोचते 12 घंटा पढ़ेंगे, 14 घंटा, और सर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप कम से कम 10 घंटा पढ़िए, बस प्रॉपरली पढ़िए, बीच में आप अपना रेगुलर में ब्रेक लीजिए, जिससे आपको माइंड भी फ्रेश फील करेगा और आपको समझ भी आएगा। तो हम लोग पहले पढ़े 5 to 6, आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ, फिर 10 AM to 1 PM आपका रिवीजन हो गया, कौन कौन सा चैप्टर हुआ है, फिर 3 to 5 2 आवर में आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, फिर 8 to 11 3 आवर में आपका और सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं होता है, मुझे पता है बहुत लेंदी लेंदी चैप्टर रहता है, तो जिसके लिए 3 घंटे में मैं बोलूँगी तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। बहुत से स्टूडेंट लोग होते हैं जो कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और बहुत सारे एवरेज भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो आप रात का जो 3 घंटा है उसमें आप अपना दूसरे चैप्टर को रिविज़न करिए, क्योंकि बहुत सारा जो थ्योरी आप सुबह में याद किए हैं उसको मस्ट कंपलसरी, आपको याद करने से कोई फायदा, उसको एक बार दो बार कम से कम आप अपने उस आंसर जो याद किए हैं थ्योरी को उसको लिखिएगा ज़रूर। अगर आप लिख लीजिए तो आपको, अगर आप एग्ज़ाम में भी जाएंगे ना, आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं की हूँ, मैं पहले ना मैं भी ऐसे ही सिर्फ याद करके चली जाती थी, और फिर मुझे मैं हर टाइम एक बार मेरे इतना ख़राब हुआ एग्ज़ाम में कि मैं भूल गई थी, फिर मेरे सर बताए कि नहीं ऐसा नहीं करना है, एक बार कम से कम या दो बार लिखना पड़ता है। अगर आप पूरा एक थ्योरी लॉन्ग आंसर याद किए तो उसको एक बार लिख लीजिए बिना देखे, मतलब याद किए ना उसको रख के और लिख लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम में जाइए, 100% गारंटी है कि आप वो आंसर नहीं भूलिएगा। वही के लिए थ्योरी जब भी याद करें तो उसको लिखने के लिए टाइम चाहिए, तो जो 8 to 11 3 आवर वो आपका एक्स्ट्रा है, जिसमें आप अपना थ्योरी जो याद किए उसको लिखिए, दूसरा सब्जेक्ट को रिविज़न करिए, या फिर आपका होमवर्क का टाइम जो घट गया तो उस समय वो बना लीजिए। अगर आप ये रूटीन को फॉलो करिएगा तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप 1 मंथ में अपना अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा इजीली, नो ओवरलोड, नो टेंशन, नो रिस्क, इजीली कंप्लीट कर लीजिएगा, और आराम से आप अपना 90% जो है वो स्कोर अचीव कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट और भी वीडियो होते हैं जो कि 3 डेज में आप टॉपर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हुए चलो, उतना ज़रूरी नहीं है। आप कम ही पढ़िए मगर अच्छा से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपको माइंड को वो धंसे, हाँ समझ में आए। तो मैं आपको बताई 10 घंटा का सिर्फ पढ़ने, 10 घंटे में आपका 1 मंथ में आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विदाउट टेंशन। और दो पॉइंट आप याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट बार में आप पूरा करिए, दूसरा बार रिवीजन करें उसमें आप 1-2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए, दूसरा बात कि आप थ्योरी को एक बार याद करके ज़रूर लिखिए, तीसरा बात कि आप रिवीजन करते रहिएगा हर एक वीक में देख ही करके। वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प होता है एग्ज़ाम में या फिर आपको तैयारी करने में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोग के थोड़े से भी काम आ सकी। सो प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए। सो प्लीज़ आप मेरे बताए हुए बात को फॉलो करिएगा और इसी टाइप से पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप 100% अचीव करिएगा, और देखिएगा ये 100% गारंटी है कि आप 1 मंथ में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा सिर्फ मेरे टाइम टेबल को फॉलो करने से। सो थैंक यू गाइज़।